चले गए थे। एओ बच गई, एओ बच गई, एओ फटी उसके पीछे। बट मुझे इमरजेंसी से कॉल आई थी जिसमें एक पेशेंट को हमने देखा, उसके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे और वो हतप्रत स्थिति में था। तो उस पेशेंट का हमने प्राथमिक मूल्यांकन किया और प्राथमिक उसका उपचार किया, लेकिन जैसा उसके घर वालों ने बताया, जो उसका ब्रदर इन लॉ साथ में था, कि वो कहीं ना कहीं शराब का नशा कर रहा था और अन्य नशे भी कर रहा था जिसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और उसको किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी जगह से कोई इंजेक्शन भी उन्होंने दिलवाया था। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि अल्कोहल और दूसरे नशों के विड्रॉल की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से पेशेंट ऐसी स्थिति में आता है। तो उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए हमने रेफर कर दिया, जिससे वहाँ पर उसका गहन उपचार हो सके और वो पेशेंट खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा ना रहे। देखिए, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी क्योंकि ब्रदर इन लॉ साथ में थे और वो भी कुछ घंटे से उनको सुबह से देख रहे थे। तो एग्जैक्ट पेशेंट इस स्थिति में नहीं था जो सही से बता पावे, तो इसीलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट क्या दिया गया था उसकी ये बताया उन्होंने, कि साथ साथ उसकी पत्नी भी अपने मायके गई हुई थी और उनके बीच में कुछ विवाद भी चल रहा था जो हमें जानकारी दी गई। तो एग्जैक्ट उसके ट्रीटमेंट की हमारे पास डिटेल्स नहीं थी। देखिए, अगर किसी भी प्रकार का वुंड है, यानी कि कोई घाव है, तो उस घाव का उपचार जरूर होना चाहिए। और जनरली किसी भी प्रकार के ऐसे चाहे कोई भी बाइट हो किसी भी तरफ से, तो उसके लिए बेसिक घाव का उपचार और टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है और लगवा लेना चाहिए अगर किसी को भी ऐसे घाव हुआ है तो।